हेलो फैम, वेलकम टू माय ब्लॉग। देख रहे हैं ये नेट हो रहा है, हार्वेस्टिंग नहीं हो रहा है, ये पॉन्ड में ट्रांसफर हो रहे हैं। जो हार्वेस्टिंग हो चुका है वो आपको पॉन्ड दिखा रहा हूँ। ये मेरा पॉन्ड हार्वेस्टिंग हो चुका है, उसमें बच्चे ट्रांसफर होंगे, आपको दिखा रहा हूँ। जो लोग जाल डाल रहे हैं आप देख सकते हैं, इसमें ट्रांसफर हो रहे हैं। ये इसमें IMP मछलियां हैं, आप देख सकते हैं कितनी हलचल मचाई हुई है। और इसमें 4000 फंगास के बच्चे पड़े हुए थे, वो एवरेज वेट 300 ग्राम हो चुके हैं। और कुछ मछलियां इसमें 300-400 ग्राम की भी हैं, जो 500 ग्राम की हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अपने पॉन्ड में। आप देख सकते हैं, आपको दिखा रहा हूँ पॉन्ड जो मेरा जो खाली हो चुका है उसमें डाला जाएगा। आप देख सकते हैं एक पॉन्ड मेरा सबसे पहले ये हार्वेस्टिंग होके फिनिश हो गया है, इसमें डाल दिया जाएगा। और एक पॉन्ड मेरा ये खाली है, इसमें डाल दिया जाएगा। आप देख सकते हैं, काफ़ी क्लोज हो आ चुके हैं। अभी जब मछलियां ट्रांसफ़र होंगे तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे ले जाए जाते हैं एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड में। और आप देख सकते हैं एक फंगास चीज जो है ऊपरी जाल के ऊपर फंसी हुई है। काफ़ी क्लोज आ चुके हैं ये लोग बंदक के, दो पाउंड में ट्रांसफ़र होएंगे। ये 4000 बच्चे स्टॉक किए गए थे, 300 ग्राम एवरेज वेट आ गया है इनका, और कोई कोई 400-500 ग्राम की वेट की मछलियां हैं। जो बड़ी साइज की मछलियां रहेंगी वो पॉन्ड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आप देख सकते हैं, मैं आपको बीच से जाके दिखा रहा हूँ, बीच बंधक से तालाब के मीड में। आप देख सकते हैं जाल को लेके आ रहे हैं साइड से, काफ़ी क्लोज आ चुके हैं ये। और वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि लास्ट में क्या हो रहा है। इनिशियल टाइम में फॉरवर्ड करके देखना तो अलग बात होती है, लेकिन पूरा आप एकदम फॉरवर्ड नहीं करेंगे, पूरा बने रहिए वीडियो में, आप देखिए। देख सकते हैं एकदम क्लोज आ चुके हैं, अभी जाल को उठाने की प्रक्रिया हो रही है। तो मछलियाँ ये बंधक के साइड में आई हुई हैं, ये देख सकते हैं पानी को निकालने के लिए लगाया गया था बहुत पहले, ये वाल्व है। जाल को धीरे धीरे आप लोग उठाने की कोशिश करिए, उठा लीजिए अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो। वाल भी है ना उधर, बीच में फंसने का दिक्कत रहेगा, पैर में देखिएगा लगे ना जाल के। अब जैसे मछलियाँ ट्रांसफर होगी या इकट्ठा कर रहे हैं तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब देख सकते हैं जाल को पूरा क्लोज करके उठा रहे हैं, एक साइड में काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ हैं। ये गाटा बनाएंगे, छोटा ही लेंगे। आप देख सकते हैं मछलियाँ ट्रांसफर हो रही है, बकेट में कितनी बड़ी है, ये 500 ग्राम से ऊपर है। रुक जाइए, ये देख सकते हैं, एक एक बकेट में अभी इनका वेट हो रहा है। आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं आप, 600 ग्राम प्लस हैं ये सब मछलियां जो ट्रांसफर हो रही हैं। मुझे लगता है जो मैं पहले आपको 300 ग्राम एवरेज बोला हूँ, ये 400 से 500 ग्राम के बीच में एवरेज वेट आएंगे इस हिसाब से, क्योंकि जाल लगाने के बाद ही मालूम चला है, काफी टाइम के बाद इसमें जाल नहीं पड़ा हुआ। अब देख सकते हैं मछलियां काफी बड़ी हैं, तो इनका एवरेज वेट 400 से 500 ग्राम के बीच में है।
क्योंकि निकाली जा रही है मछलियाँ वो 600 ग्राम 500 से ऊपर है।